So friends, welcome back to channel. This is the day 5 of my this south ride. Currently the time is 6:05 and now I am leaving from Kanyakumari to Guruvayur at Kerala. So today's total distance will be 380 something, but for that Google is telling me it will take 10 hours. Let's see kya hota hai. 10 ghanta. Chalo boss, thank you. Normally the people wake up early at Kanyakumari to catch the beautiful sunrise, but hum before sunrise Kanyakumari chhodke ja rahe hain. Ulta hi hai, kya kare. Watching a sunrise is not in our hand. So sunset tha, aap logo ne last vlog mein dekh liya. Agar aapne nahi dekha hoga to I will request you go and watch my previous vlog. You gonna enjoy it. Oh my god friends, look at this view. Cool यार, यहाँ पे भी है, क्या बात है. Awesome man. अभी तो केरला शुरू होना बाकी है. This will be the second time I'm going to Kerala. First time with car, second time on my bike. इस रास्ते में व्यू बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं यार. जब तक मैं कैमरा बंद कर रखता हूँ, जैसे कैमरा स्टार्ट करता हूँ तब तक वो व्यू चले जाते हैं. सॉरी गाइस, ऐसे एडियट्स भी मिलते हैं. सो फ्रेंड्स, करेंटली इट्स 7 o'clock एंड डिस्टेंस स्टिल आई हैव टू गो इज 332 किलोमीटर. निकले थे तो 371 था, तो अराउंड 40 किलोमीटर कवर किया है सिर्फ एक घंटे में. तो सोचिए कैसे रोड होगा, कैसे ट्रैफिक होगा वो भी मॉर्निंग के टाइम. बाय द वे, आई फॉरगॉट टू टेल यू, दिस इज द कोस्टल राइड फ्रॉम कन्याकुमारी टिल गुरुवायूर. उधर का तो है, उसके बाद डिसाइड करेंगे शाल आई कंटिन्यू दिस सेम रूट टिल उडुपी, मैंगलोर, मुरुडेश्वर. ऐसे रोड्स पे डिस्टेंस ज़्यादा फास्ट कवर नहीं होगा. सो इट्स वेरी रिस्की टू डू सच अ राइड ऑन दिस रोड्स. बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था प्लीज़ अवॉइड NH66, बट क्या करें, खुजली है ना हमारे अंदर, खुजली राइड की, खुजली कुछ तूफानी करने की खुजली. तो हम फिर भी आ गए यहाँ पे, बिकॉज यार कोकन कोस्टल राइड तो की थी, इंडिया के कोस्टल राइड कब करे. ऑल ओवर तमिलनाडु, केरला एंड बैंक कर्नाटका. नॉर्मल मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द राइडर जो कन्याकुमारी रामेश्वरम आते तो वही रोड मदुराई हाईवे लेके वापस चले जाते हैं. ये रोड हर कोई नहीं लेता है. सो आई जस्ट थॉट कुछ अलग करते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है. ये टोटल रोड सिटी के थ्रू ही है, ऐसे हाईवे नहीं है. सो नॉन डिवाइडर रोड इज वेरी रिस्की, जो आपने देख ही लिया पिछले के पिछले वाले ब्लॉग में, जैसे 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया था. 2 पीपल्स लॉस देयर लाइफ, स्टिल फीलिंग सैड अबाउट देम. सही फ्लाईओवर है यार ये फ्लाईओवर. देखिए मुझे मुंबई के जेजे फ्लाईओवर की याद आ गई, जिसके ऊपर बाइक्स अलाउ नहीं है. अराउंड सेकेंड फ्लोर तक है हम हाइट के. यार ये बाइक पे ट्रैवल करना कुछ बात ही अलग है यार. फुल्ली ओपन क्लाइमेट से पूरा बात कर लो, अदर देन ट्रैवलिंग इन फोर व्हीलर्स. बंद फोर व्हीलर पे ट्रैवल करना वो मुझको इतना पसंद नहीं है. बाइक के ऊपर यार बहुत अच्छा लगता है, जब भी आप ट्रैवल करते हो ऐसा लगता है आप नेचर के साथ घुल मिल रहे हो. आपकी बॉन्डिंग हो रही है यार नेचर के साथ, फ्रेश हवा. दिस इज़ माय पर्सनल व्यू, आई डोंट नो अबाउट अदर्स. सो जस्ट हैड अ 15 मिनट्स टी ब्रेक, उतनी बॉडी रिलैक्स हो गई 15 मिनट्स. वन थिंग आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू गाइज हियर, वेन एवर यू राइडिंग, जब भी आपको लगता है आप मोर देन 2 मिनट्स के ऊपर रुकने वाले हो, आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू रिमूव योर हेलमेट. उतने ड्यूरेशन के लिए हेलमेट रिमूव कर दो, बिकॉज जब भी आप हेलमेट पहनते हो तो जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है फेस के ऊपर वो प्रॉपरली नहीं होता है. बिकॉज आप लोगों को तो पता है आपका अंदर का लाइनर कितना टाइट रहता है आपकी स्किन के ऊपर, चिन के ऊपर. सो दैट्स व्हाई जब भी आप मोर देन 2 मिनट्स रुकोगे रिमूव योर हेलमेट फॉर द सेम पीरियड. आफ्टर रिमूविंग हेलमेट यू विल फील फ्रेश. जस्ट अ स्मॉल टिप.
स्मॉल स्मॉल सिटीज आ रही है, और यार ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम रीड नहीं कर पा रहा हूँ क्या है नाम। थोड़ा पीछे लोगे तो थैंक यू अन्ना। देखा एसोल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनके मुंह भी मत लगना, तो वो चालू हो जाएंगे उनकी लैंग्वेज में गाली देने के लिए और मैं चालू हो जाऊंगा मेरी लैंग्वेज में गाली देने के लिए, तो गालियों का कुछ मतलब नहीं बनेगा, ना उसकी गाली मुझे समझेगी ना मेरी गाली उसको समझेगी। हाँ वेलकम टू केरला, क्या बात है केरला, वी आर ऑफिशियली इंटरिंग केरला नाउ। ओ केरला स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो अभी गाड़ियों के ऊपर लिखने लगेगा KL, MH देख लिया, KA देख लिया, फिर TN देख लिया, अभी आ गए KL, ये देखिए KL। सो एग्जैक्टली 7:28 पे हमने इंटर कर लिया है केरला में, तिरुवनंतपुरम 33। और फ्रेंड्स हमें लगा है एकदम गंदा वाला ट्रैफिक यार, लास्ट 12 या 13 मिनट से ऐसे ही चला रहे हैं। केरला में जब भी आप इंटर करोगे ना, यहाँ पे बाइकर्स, ये भी जो बाइकर्स है कैसे भी चला रहे, कैसे भी चलाते हैं, कुछ नहीं देखते, बट मार मार के जा रहे हैं। अभी तक मुझे कर्नाटका और तमिलनाडु में इतने बाइकर्स नहीं दिखे जितने अभी केरला में इंटर करने के बाद दिखे। तो तिरुवनंतपुरम इज 3 kilometers अहेड, इंटर तिरुवनंतपुरम फर्स्ट टाइम मैन, फर्स्ट टाइम, काश सिटी एक्सप्लोर कर पाता। सो गूगल हमें लेके जा रहा है छोटी छोटी गलियों में से, गुजर रहे हैं हम तिरुवनंतपुरम की छोटी छोटी गलियों से। So from this location Kozhikode, that means Calicut is 377 and Mumbai is 1678. Direct jaye Mumbai nahi yaar, explore karenge, explore. By the way abhi tak ki ride mein apne 2020 kilometers hue hain from Mumbai. So reach Kollam city जस्ट नाउ, कोलम रेलवे स्टेशन पास यहाँ पे है, रेलवे ट्रैक दिख रहा है आप देख सकते हो। सो जस्ट हैड फर्स्ट ब्रेकफास्ट इन केरला, इडली डोसा बेंदवड़ा। धीरे धीरे मुझको ना यहाँ के सांभर की और वाइट चटनी की टेस्ट बहुत अच्छी लगने लगी है। इडली तो यार सुपर जाड़ी रहती है, मुंबई में इतनी इतनी सी पतली रहती है, यहाँ पे यार जाड़ी रहती है मस्त, और टेस्ट ही कुछ अलग है यहाँ की इडली की। इंदुवाड़ा से मेरे को इडली अच्छी लगी, यहाँ पे इंदुवाड़ा पे ऑयल ज़्यादा रहता है। एग्जैक्टली 10:09 एंड स्टिल हैव टू गो 214 kilometers। सो एक्सीडेंट हैपन हियर, अभी तो उसने स्ट्रिप भी नहीं निकाला यार गाड़ी का, बोनेट आगे डाल दिया, पीछे डाल दिया उसने, नया गाड़ी की वाट लगा दी कि इधर से नीचे गए यार, कैसे भी चलाते कैसे भी। मेरे को रियली, ये तुम लोग लाइसेंस देते हो पक्का है, ऐसे देके लाइसेंस देते हो यार RTO? कोई भी गाड़ी प्रॉपरली नहीं चलाता है, ना रिक्शा, ना ये बस वाले, ना बाइक वाले। LP 38, थैंक गॉड because I came to his city Kerala, the god's own city. Wow, one more bridge, superb. See black waters, that are the ships. So friend, just look at this map, Google map, सी के कितने पास से जा रहे हैं हम लोग, देख लीजिए यहाँ पे एकदम पास में सी है,
but due to these houses we can't see. Yes, finally. वहाँ पे ऐसा कुछ रोड होना चाहिए यार, जैसे कोकन में है वैसे, एकदम चिपक के। इतना बड़ा रोड है, आप देख लीजिए, फिर भी लाइन छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं। अरे मैं बोलता हूँ एक डिवाइडर डाल दो यार, सभी को आसानी हो जाएगी, दो लाइन इजीली जाती है, एक एक लाइन। ये देखो आ गया बाहर। सो आई एम जस्ट 2 किलोमीटर बिफोर एलेपी एंड फिलिंग अप द पेट्रोल फुल slowly. So friends, petrol I fill up of 600 rupees 8.8 liters. So just took an around 25 minutes break. It was most needed because dhoop le lijiye, dhoop dekh lijiye aap, 34 degree dikha raha hai abhi, time is 11:43. to bhai sahab 12-1 baje kya hoga? और ये घड़ी घड़ी ट्रैफिक की वजह से गियर अपशूट अपशूट कर करके पैर भी दुखने लगा। क्या चला रहे भाई साहब, वो उसको तो एकदम पास में कट मार के दिए उनको। नॉर्मल चलाने वाले तो सुपर राइडर्स है, तो एम्बुलेंस वाला कैसे होगा यार, इमेजिन ही नहीं कर सकता मैं। आ जाओ सब ये साइड आ जाओ। वो जो लाइन दिए ना, वो टाइम पास के लिए दिए है, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं। आप लोगों को ये देखिए, आओ, तुम भी आओ। अभी मुझे पता चल रहा है राइडर गर्ल विशाखा का एक्सीडेंट क्यों हुआ था केरला में। बॉस कोई भी कहाँ से कैसे भी आ सकता है, हम जैसे को तो आदत नहीं है सब चीज़ की, कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वहाँ से लोग बाहर आ जाते हैं सामने से साइड से। सो इफ यू आर प्लानिंग टू राइड इन केरला, यहाँ से डिस्टेंस इतना कवर जल्दी नहीं होगा, तो आप ये डिस्टेंस और उसको लगने वाला टाइमिंग कैलकुलेट करके अपना राइड का प्लान बनाइए। बाइकर लाइन अपोजिट, शाबाश, देंगे, नहीं, देखो, शाबाश। इंडिकेटर ऐसा कुछ है नहीं आपके पास, इंडिकेटर क्या रहता है ऐसा पूछूंगा तो शौक लग जाएगा उनको। वॉट इंडिकेटर, ये देखो एम्बुलेंस इधर खड़ा हो गया, इतना भगा के लाया। और मेरे कोई भी सब्सक्राइबर रहेंगे केरला से तो मेरे ऊपर गुस्सा होते रहेंगे, बट बहुत सॉरी, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आप लोगों को बुरा लग रहा है तो रियली सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। जस्ट टुक वन हॉल्ट बिफोर एलपी इज अराउंड 7 किलोमीटर्स अहेड एंड माई डेस्टिनेशन इज स्टिल 149 किलोमीटर, दैट मीन 150 किलोमीटर और आगे जाना है। लेट मी शो यू द बाइक वॉश करानी यार, रामेश्वरम में करानी थी, कन्याकुमारी में करानी थी, अभी केरला में देखते होती है कि नहीं होती, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है यार वॉश करने के लिए। आपको एक बार बाइक दिखा देता हूँ। ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी, मस्त काला कलर है टायर के ऊपर बिकॉज ऑफ टायर रोड। ये देखिए गाड़ी खराब हो चुकी है, टाइम टू गेट कूल। तो फ्रेंड्स अभी 2 लेन रोड मिला है, अभी डिवाइडर देखते हैं कितना भगा पाता हूँ। डायवर्जन विद सिग्नल, ये क्या पाइप डालोगे मेरे अंदर, यहीं पे रुकता हूँ। पूरा रोड ऐसे ही बना तो बहुत आसानी होगी सभी लोगों को। फोर्ट कोची 23, जाना तो था फोर्ट कोची में मगर यार नहीं जा सकते, ये प्लान केरला घूमने का नहीं है। ब्यूटीफुल, दैट्स द रेलवे ब्रिज, दिस इज द ब्रिज फॉर कार्स। कितना बड़ा रिवर है यार ये, बाप रे, वहाँ से वहाँ तक। सो कोची सिटी इज अराउंड 5 किलोमीटर्स अहेड, फर्स्ट टाइम इन कोची मैन। खत्म, ब्रिज खत्म। ड्यू टू डिवाइडर ह्याला सांगतोय, कोणाला सांगतोय, मला की कोणाला।
लेट्स सी व्हाट दे वांट। क्या हुआ सर? ओवर स्पीड। ओह सॉरी वी डोंट नो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है पंगा। दे हैव स्पीड गन ओवर देयर। सो दे कॉट मी इन स्पीडिंग। आई वॉज ऑन आई थिंक 81-82 बिकॉज अभी तो डिवाइडर मिला था। सो दे फाइन मी ₹300। यू कैन सी इट्स ओके, नो इशूज, इट्स माई मिस्टेक। आई एम रेडी टू गिव ₹300। बट देर शुड बी अ साइन बोर्ड। देर वॉज नॉट अ सिंगल साइन बोर्ड। कैन आई आस्क हिम वॉट वॉज माई स्पीड? What was my speed, sir? कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। 82 ओके, बिकॉज इतना ट्रैफिक में चला के आया कन्याकुमारी से हाथ दुखने लगा। अभी इधर डिवाइडर मिला तो थोड़ा भगा था, आप लोगों ने पकड़ लिया। इट्स ओके सर, थैंक यू। मुंबई मुंबई बॉम्बे। सो 82 था मेरा स्पीड। द ऑफिसर कन्फर्म मी इट्स ओके। चलो पहली बार फाइन दिया है। पूरी लाइफ में अभी तक मैंने कभी फाइन नहीं भरा था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा बिकॉज आई ऑलवेज फॉलो द रूल्स। वाओ ब्यूटीफुल चर्च वेलावली सिटी में यार, इतने 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 ब्यूटीफुल चर्च दिख रहे हैं मुझको। वाओ इधर तो मुझे गोवा की फीलिंग आ गई है। टू स्टॉप हियर जस्ट बिफोर 60 किलोमीटर स्टॉप फॉर हैविंग शुगर कैन जूस, बट द प्रॉब्लम इज नोबडी इज देयर। क्या करें, बाइक इज हियर, शी नीड अ वॉश, डेफिनेटली नीड अ वॉश, मस्ट हैव ड्रिंक। दिस इज द सेकेंड वन, स्टिल वी हैव टू गो 35 किलोमीटर्स मोर। Let me give the view. Roads are looking very good. Wash. Wash. Bike को wash करा ही लेते हैं यार, बहुत गंदी हो गई है बहुत। सो फ्रेंड्स बाइक तो वॉश हो गई। फॉर बाइक वॉशिंग विद डीजल दे चार्ज यू ₹250। बट आफ्टर टॉकिंग विथ हिम फॉर सम टाइम ही एग्री फॉर 200। इट क्वाइट एक्सपेंसिव हियर बट दे डिड वॉश ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बाइक वेरी नीटली। आई एम हैप्पी विथ देयर सर्विस। फ्रेंड्स आई एम अबाउट टू रीच माई होटल। रीच सिटी कॉल गुरुअय्यर। मेन एंट्रेंस वॉज देयर। फ्रेंड्स फाइनली होटल में चेक इन कर लिया है। इट्स अराउंड 4:21। सो नाउ लेट मी शो यू द रूम। AC it's me fully exhausted and we have gallery too. So friend that's it in this video. If anyhow you guys like this video, don't forget to hit that like button, share with your friend, and still if you haven't subscribed to my channel then I'll request you please to subscribe. It's free. In next vlog I will continue by this journey from Guruwayur to that place is still not decided yet. We will decide afterwards. This is Sagar signing off. Bye bye.